एक 40 साल की औरत अपने घर में अपने पड़ोसी के साथ संबंध बना रही थी, तभी उसके दोनों लड़कों ने देखा और दोनों भाई एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा घटता है कि एक इंसान की हो जाती है यहाँ पर मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के शास्त्री नगर इलाके की, जहां पर एक पूर्णिमा नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र 40 साल थी। आज से 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसको दो लड़के भी थे, एक लड़का 19 साल का, एक लड़का 17 साल का। दो लड़के थे और जो पूर्णिमा थी उसके पति की बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी, यानी कि अब घर में अकेली पूर्णिमा बिना पति के अपने बच्चों को पाल रही होती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब पूर्णिमा को लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा है, यानी कि उसके पति की मौत हो चुकी थी तो उसको लगता है कि किसी न किसी को दोस्त बनाया जाए और उसके साथ प्रेम प्रसंग रचाए जाए, क्योंकि उसको तन्हाइयां काटने लगती हैं। 40 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। अब क्या होता है, उसके पड़ोस में एक सिकंदर नाम का लड़का रहा करता है, व्यक्ति कहेंगे उसको हम, जिसकी उम्र 42 साल है। उससे पूर्णिमा बात करने लगती है और बातों ही बातों में उससे वह प्यार जोड़ लेती है एक तरह से। अब सिकंदर क्या होता है, सिकंदर को वह अपने घर पर बुलाने लगती है। जब उसके बेटे पढ़ने लिखने के लिए बाहर गए हुए होते हैं तो वह सिकंदर को अपने घर पर बुला लेती है और अपने प्रेम प्रसंग उसके साथ रचाया करती है, यानी कि अपनी हवस को मिटाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और बहुत दिनों तक यह मामला इसी तरह से चलता रहता है। अब क्या होता है, जो पूर्णिमा होती है वह रात को भी जब उसके बच्चे सो जाया करते हैं तो वह सिकंदर को अपने पास बुला लिया करती है। दोस्तों, एक कमरे में पूर्णिमा अपने आसिफ को लेकर रंगरलिया मना रही होती है और दूसरे कमरे में उसके दो बेटे, जो कि अब जवान हो चुके थे, वह सो रहे होते हैं। अब इस तरह का मामला ज़्यादातर चलने लगता है। दोस्तों, अब क्या होता है, एक दिन पूर्णिमा अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी अपने कमरे में और जो दोनों भाई थे पूर्णिमा के, दोनों लड़के, उनमें से एक की आँख खुलती है पेशाब करने के लिए जाने के लिए। वह पेशाब करने के लिए जैसे ही जाता है तो उसको उसकी माँ के कमरे में से कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। और दोस्तों, अब क्या होता है, वह खिड़की से झांक कर देखता है तो खिड़की से जैसे ही वह झांक कर देखता है तो उसकी माँ पूर्णिमा उसके पड़ोसी सिकंदर के साथ नग्न अवस्था में लेटी हुई थी और संबंध बना रही थी। यह सारा वाक्य देखकर उस लड़के के पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह किसी से कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी वह अपने भाई के पास जाता है, उसको जगाता है और उसको भी सारी कहानी बताता है, खिड़की के पास ले जाता है और सारा दृश्य उस भाई को भी दिखा देता है। अब दोस्तों, दोनों भाई अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि यह कृत्य ही ऐसा था। वे सोच रहे थे कि पिताजी की तो मृत्यु हो चुकी है और मम्मी पीछे से न जाने क्या कार्य कर रही है। दोस्तों, अब क्या होता है, अब दोनों भाई हिम्मत करते हैं और अपनी माँ के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजे को खटखटाया जाता है लेकिन उनकी माँ सुनती नहीं है, क्योंकि वह दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए थे, पूर्णिमा और उसका आशिक सिकंदर। वह दोनों कपड़े पहनते हैं, बहुत देर हो जाती है। देर होने के बाद वह दरवाज़ा खोलते हैं तो जो वह लड़के होते हैं उनके हाथ में डंडे होते हैं और सिकंदर के ऊपर डंडों से पिटाई करने लगते हैं, उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। सिकंदर उनके आगे हाथ जोड़ने लगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। उसके बाद दोनों लड़के कहते हैं कि आज के बाद हमारे घर में तू नज़र मत आ जाना। उसके बाद क्या होता है, सिकंदर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब माँ बेटे आपस में बात नहीं करते हैं, बेटे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और कोस रहे होते हैं अपनी किस्मत को कि आखिर हमने क्या लिखाया था जो ऐसी माँ हमारे भाग्य में लिख दी। अब क्या होता है, दोस्तों, सिकंदर आने से मना करने लगता है। पूर्णिमा उसको, जब लड़के नहीं हुआ करते हैं तो उसको बुलाने का प्रयास करती है, क्योंकि उसको तो अभी जवानी चढ़ी हुई थी, उसका मन नहीं भरा था। अब पूर्णिमा सिकंदर के पास फ़ोन करती है कि मेरे घर पर बच्चे नहीं हैं, तुम आ जाओ, लेकिन सिकंदर साफ मना कर देता है कि तुम्हारे बच्चे तो बहुत ख़राब हैं, वो मुझे पीट देंगे, मार देंगे, मैं नहीं आऊँगा। दोस्तों, अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, पड़ोस में एक लड़के की शादी होती है तो वह दोनों लड़के उस शादी में बारात में चले जाते हैं। शाम की शादी होती है तो बारात में चले जाते हैं। अब पूर्णिमा अपने प्रेमी सिकंदर के पास फ़ोन करती है कि दोनों लड़के बारात में गए हैं और तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करेंगे। सिकंदर पहले तो मना करता है लेकिन पूर्णिमा जब उससे ज़बरदस्ती करती है तो वह पूर्णिमा के घर पर आ जाता है और दोनों प्रेम प्रसंग रचा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, दोस्तों, दोनों भाई बारात में से वापस लौट आते हैं।
और लौटने के बाद उनको फिर से यही दृश्य दिखाई देता है अपने घर में। अपनी माँ के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो माँ के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा जैसे ही खुलवाते हैं तो सिकंदर और उसकी माँ, उनकी माँ दोनों ही नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तभी दोस्तों वे डंडे लेते हैं और सिकंदर के ऊपर पिटाई दोबारा से बजाने लगते हैं, उसको बुरी तरह से पीटते हैं और अब सिकंदर लहूलुहान हो जाता है, खून निकल आता है उसके सर से, फिर भी उसको पीट रहे होते हैं। सिकंदर जोर जोर से अब चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी। जैसे वह चिल्लाने लगता है तो आस पड़ोसियों को आवाज़ सुनती है, आस पड़ोसी के लोग वो घर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सिकंदर को ये लड़के क्यों मार रहे हैं। तो उन लड़कों से सिकंदर को बचा दिया जाता है। उसके बाद सिकंदर को आस पड़ोसी लोग इकट्ठे होकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाते हैं तो डॉक्टर सिकंदर को मृत घोषित कर देता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और दोनों बेटों को और उस माँ को अरेस्ट करके उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों इस घटना में आप क्या कहोगे, हवस के कारण तीन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई और एक इंसान की जान चली गई। तीन लोग, दो बेटे और एक माँ, अब वो जिंदगी भर जेल में रहेंगे और जो सिकंदर था उसके यहाँ पे प्राण ही निकल गए। तो आप इस हवस के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? मैं बार बार कहता हूँ कि हवस का जो अंजाम होता है वो बहुत ही खतरनाक और भयावह होता है। जब तक किसी को पता ना चले तब तक आप मान सकते हो कि कुछ नहीं होता, लेकिन अंततः इसका पता ज़रूर चलता है और फिर उसके बाद घटती है ऐसी बड़ी घटना जहाँ पर इंसान की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, उस माँ के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या उस माँ ने सही किया था? उसका पति नहीं था तो वह तो मन लगा रही थी, और उसके बेटों ने गलत किया या फिर उसके बेटों ने सही किया या फिर सिकंदर सही था? कौन सही था, कौन गलत था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं और इनको जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि समाज के अंदर इंसान नहीं, इंसान की खाल में भेड़िए छुपे हुए घूम रहे हैं। तो दोस्तों यकीन नहीं आता है कई बार। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।